उत्तराखंड उधम सिंह नगर में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चालक तथा उसकी नाबालिग बेटी को कथित रूप से थप्पड़ मारने के बाद पुलिस और जनता के बीच बखेड़ा हो गया। इस दौरान तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस आम लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। बीती रात दिनेशपुर मुख्य चौराहे पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शक्ति फार्म निवासी हरीश वर्मा अपने बच्चों के साथ दुर्गा पूजा देखने दिनेशपुर आ रहा था। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और बाइक सीज करने की धमकी दी। हरीश ने विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने उसे झापड़ मार दिया। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित की नाबालिग बेटी पर भी सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल ने हाथ छोड़ दिया, जिससे पीड़ित की नाबालिग बेटी को चोट लगी। पुलिस पीड़ित के मासूम बच्चों को चौराहे पर छोड़कर पीड़ित को थाने ले गए। देर रात क्षेत्र के दर्जनों लोग जनप्रतिनिधियों के साथ थाने पहुंचे और पीड़ित को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। सर, मैं शक्ति फार्म से दिनेशपुर क्षेत्र ससुराल आया था दशहरा पूजा मनाने। तो मैं अपने दो बच्चों के साथ दिनेशपुर, जब मैंने एंट्री किया चौराहे पे, तब मुझे पुलिस वाले ने रोका और चालान काटने वाली बात कही। तब मैंने पुलिस वाले को बोला कि सर, मेरे पास दो नाबालिग बच्चे हैं, एक मैं हूँ सर। तीन जने कह रहे कि तेरा चार का चालान काटा जाएगा। मैं बोला सर क्यों, कह रहे काटा जाएगा तेरा चार का चालान। जब मैंने विरोध किया कि सर, मेरे साथ दो नाबालिग बच्चे हैं और मैं हूँ, चार का चालान क्यों काटिएगा, तब पुलिस वाले ने हाथापाई शुरू कर दी। तुरंत उनसे मारपीट शुरू हो गई। किसको मारा पुलिस? मेरे को मारा पुलिस वाले ने, मेरे बच्चों को मारा है। मेरी बच्ची अभी भी पीड़ित है घर पे। आप क्या था? फिर मेरे विरोध में मेरे साथ में एक भाई आया माइकल नाम का, फिर पुलिस ने उसको भी टॉर्चर किया, उसको भी मारपीट किया। पुलिस का कहना है कि इलीगल रूप में आप लोग कार पर सवार एक गाड़ी में बैठे थे, ये कबूल कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है सर। सर, मेरे बच्चे थे मेरे साथ में, बच्चे भी पीड़ित है, बच्चों का भी बयान है। वीडियो में बच्चों को भी दिखाया जा रहा है, मेरे को मार रहे हैं वो भी दिखाया जा रहा है। बच्चों को मारा पुलिस ने? बिल्कुल मारा है सर, बच्चे पीड़ित है। अब जो नए एसएसपी, उनसे क्या चाहता है? अब वो न्याय दिलाएंगे हमें, हमें न्याय चाहिए। जो अन्याय हो रहा है इसका न्याय दिलाइए ना। क्या नाम आपका? ललित वर्मा। कल दशहरे के दिन पुलिस द्वारा जो स्थानीय लोग जो मेले में आ रहे थे, उनका जबरदस्ती चालान किया जा रहा था रात के 10 बजे। उससे कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल पैदा हुआ है कि उत्सव के दिन हमारे, खासकर हमारे बंगाली समाज का इतना बड़ा पर्व है और लोग यहाँ पर 36 गांव से लोग यहाँ आते हैं मेला देखने, और पुलिस जानबूझकर व्यवस्था बनाने के नाम पर जो व्यवस्था फैलाने का काम किया है और कहीं ना कहीं लोगों को मारा पीटा तक गया, इवन बच्चों पर भी हाथ उठाया और कम से कम 250 से ऊपर गाड़ियों का चालान किया गया है, कि कहीं ना कहीं पुलिस हम लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, पीड़ित कर रही है आम लोगों का, गरीब लोगों का, और शोषण कर रही है। मैं चाह रहा हूँ कि जो इन पुलिस अधिकारियों ने कल जो ये अपना कार काम ऐसा काम किया है, तो इनके जो उच्च अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।